बिजनेस करना सिखाया और बेशमार बिजनेस को प्रमोट भी किया था माइंड था यार खुद का कुछ खुद का कुछ लेकिन कोई मतलब नहीं थे खुद का कुछ कर सको तो बड़ी मोटिवेशनल बस समझ लेंगे स्ट्रगल शुरू होगी मिस्री शाह आपने सुना होगा नाम मिस्री शाह में ना वहाँ पर मैं ट्रक लोड करता था 2007 में अच्छा जी तो ट्रक लोड करते करते अल्लाह पाक ने माशाल्लाह मतलब टू तो थाउजेंड में ट्रक लोड करता था उसके बाद 2008 में मेरी शादी भी होगी फिर मेहनत तो करता रहा यही कुछ ही कभी मजदूरी कर ली कभी ट्रक लोड पर आ गया कभी कंधे पे शोल्डर पर कोट रख के बेच दिए कभी रेडी लगा ली कुछ इस तरह ही काम करता रहा लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश करता था यार ऐसा क्या करूं किस तरीके से आगे बढूं लेकिन कुछ था ही नहीं पास कैसे भरू भाई कोई सपोर्ट ही नहीं करता था नहीं। बहुत सारे लोगों के पास जाता था यार कोई थोड़ा सा मुझे ना अपने साथ मतलब कुछ ऐसा सिखाओ यार मैं कुछ कर सकूँ मेरे एक दोस्त थे मैं उनके पास गया मैंने उनसे बोला यार मुझे जो वो बेसिक ना एस एक्सपर्ट थे यूट्यूब की तो मैं कहता था यार ये मुझे सिखा दो वो फाइवर और अपवर्क पर अपनी सर्विसेज देते थे अच्छा तो मैं कहता था यार ये मुझे सिखाओ कहते यार आप ये सीख नहीं सकते मैं कह भाई कहते आप पढ़े लिखे नहीं हो और काफी बड़े बड़े टिक टॉकर्स हैं जिनके YouTube यूट्यूबल से देखता हूँ आपने जब स्टार्ट किया आ, कुछ अर्सा पहले जब आपने इसकी तरफ आपने जब चैलेंज एक्सेप्ट किया तो शुरू शुरू में फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने बिजनेस पिरो के नाम से चैनल था पाकिस्तान का पहला बिजनेस का चैनल था वो अच्छा और uh, 2014 से 2019 तक मेरे जो मैक्सिमम व्यू थे वो 500 थे अच्छा। हाँ जी और मुझे ऐसे लगता था यार शायद मैं कामयाब नहीं होगा लेकिन फिर एक तरफ ना मतलब कि नहीं यार छोड़ना नहीं है कुछ करना दुनिया जो लोग कर रहे हैं वो क्या है अनोखे तो नहीं है मेरी तरह इंसान है ना तो बस चैलेंज था मैंने कहा नहीं करना है यही करना है जो करना है इसी से करना है टू थाउजेंड नाइनटीन तकरीबी थ्री मार्च को मेरी फर्स्ट वीडियो वन मिलियन अच्छा वायरल हो जाती है और मैं यकीन मेरे उ, 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 उस उस दौरान मेरे पास एक मोबाइल था ग्रैंड प्राइम बहुत चीपस्ट मतलब सस्ता मोबाइल था जब मैं उसको सुबह ऑन करता हूँ ना तो वो हैक हो जाता है जनाब मैसेज पे मैसेज कमेंट पे कमेंट मैसेज पे मैसेज मैं देखता हूँ यार हुआ क्या है वो पता चलता है मेरी एक वीडियो मिलियन उसके बाद पेड़ प्रमोशन आने लग पड़ती हैं मेरी जिंदगी बदल जाती है सर वो वीडियो मेरी जिंदगी बदल देती है YouTube में वैसे कमाई है YouTube में कमाई थी पहले अच्छा य, आ, YouTube में कमाई ए, YouTube में ना जो एक्सपर्ट अगर मुझे कोई देख रहा है तो वो ये जानता होगा YouTube AdSense अकाउंट में ना कुछ आ, होते हैं कुछ एड्स आप स्किप भी कर सकते हैं मतलब कि मैंने मोस्टली ऐड अपने बंद किए हुए हैं अच्छा मैं नहीं आ, काफी एड्स हैं जिनको मैं बंद किए हुए जिसकी वजह से मेरा रेवेन्यू बहुत कम आता है YouTube अच्छा। से लेकिन YouTube से ज्यादा जो प्रॉफिट जो ज्यादा रेवेन्यू है वो Facebook पे है मेरी नजर में Facebook की तरफ से जो मोनेटाइज हुआ हुआ चैनल ज्यादा पैसे देता है या जो पेड प्रमोशंस है वो मोनेटाइज और जो यूथ जो अगर आपको देख रही है और वो अगर बिजनेस कोई करना चाह रही है तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कहाँ से स्टार्ट किया जाए पाकिस्तान में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मतलब कि हम बहुत छोटी सोच के लोग हैं मैं हकीक़त बात कर रहा हूँ मैं यकीन मैंने मैं अपनी अगर बात करूँ ना मैं मैंने ये चैनल अर्निंग के लिहाज से नहीं शुरू किया था चैलेंज के लिहाज से कि मुझे जिन मुश्किल का सामना करना पड़ा है वो लोगों को ना करना पड़े मैं आप बिलीव नहीं करेंगे मैं कंटेंट बनाने के लिए ना एक वीडियो बनाने के लिए चाइना बॉर्डर तक मैं गया हुआ चाइना बॉर्डर के अलावा पिशावर कोयटा मतलब मोस्टली पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा सिटी हो या गाँव हो जहाँ मैं कंटेंट के लिए नहीं। ना ना गया हूँ तो वहाँ जाने का मकसद ये है कि यार लोगों तक ये बिज़नेस जो लोग शुरू करें और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किए और दुआएं देते हैं लेकिन मोस्टली लोग ना बिला वजह नीचे आके नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी जिन्होंने कुछ किया भी नहीं नहीं जिन्होंने खुद नहीं आ, जिन्होंने ना कुछ, कुछ करना।, करना नहीं है तो वो जारी सी बात है उनको यही है कि अगले को रोक लें शायद आप... ये ना तरक्की कर जाए कि बेसिकली हमारा जो पॉडकास्ट है इसका मकसद ये है कि हम लोगों को बिज़नेस करना सिखाएं और काफ़ी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं नए बिजनेस आइडियाज़ में और कम पैसों में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप आज के दौर में अगर आपके पास कोई क्योंकि हर बंदा नौकरी नहीं करना चाहता आ, ये मेरे तकरीबन हर पॉडकास्ट में हम ये बात कर रहे होते हैं कि बेशुमार लोग हैं जो जॉब से एज़ अ साइड बिजनेस साइड असल कोई एक बिजनेस ऐसा करना चाह रहे होता है कि जहाँ से उनको एक पैसेव इनकम आ रही हो क्योंकि आजकल के जो मामला चल रहे हैं जो अखराजा चल रहे हैं वो उसमें एक एक, एक, एक सिंगल सैलरी के अंदर आपका गुजारा नहीं होता तो आप कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं यंगस्टर्स को कि वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वो स्टार्ट कर सकते हैं मेरा आपसे सवाल है आपने सवाल किया मैं करता हूँ पैसा कौन नहीं कमाना चाहता

कभी भी नहीं होना था। अब मैंने हैं, हैं। जबकि मैं कई जब लोग ऐसे भी हैं दो, -दो साल से फारिंग हैं जॉब की तलाश में लेकिन वो दो साल फारिग रहना पसंद करते हैं मेहनत करना है अपने ऊपर मेहनत करना पसंद नहीं करते मतलब कि आप अपने ऊपर मेहनत करना पसंद नहीं करते अच्छा अब आपने बात की कि बिज़नेस कौन सा अब देखें आ, मेरा बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता आज के दौर में पैसा ज़रूरत नहीं है बिजनेस के लिए आप पैसे के बगैर बिजनेस कर सकते हैं देखें आज से कुछ अर्सा कबल जब सोशल मीडिया नहीं था ना तब मुश्किल था बिजनेस करना आज के दौर में बहुत आसान है बिज़नेस इतना आसान बन चुका है बिज़नेस करना जिसका कारण नहीं है देखें मोबाइल हर बंदे के पास है नेट पैकेज हर बंदे के पास है सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ कर रहा है फेसबुक इंस्टा मतलब ये चाहे एवरी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ना हमारे पास ऑडियंस भी है अब करना क्या है अब मेरे एरिए में पाँच दस दुकानें हैं मिसाल दे रहा हूँ किसी भी चीज़ की वो बेचारे वो भी बेरोजगार बैठे होते हैं कस्टमर का वेट कर रहे हैं कस्टमर आएगा कस्टमर आएगा और भाई उनके साथ जाएं उनसे क्लाइब करें उनसे बोलें आपकी प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ ऐसे ही है उनसे पिक्चरें लें उनकी वीडियोस बनाएं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें तो सर कैसे कस्टमर नहीं आएगा आएगा 100% आएगा तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है मैं हासिल पिक्चर की जरूरत है सिर्फ एक पिक्चर की जरूरत है एक मोबाइल की जरूरत है और ये सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ क्या है कि डर सबसे पहले डर निकालना होगा जितने स्टूडेंट्स हैं जितने लोग जॉब कर रहे हैं जितना देखें कोई भी जब तक ये कदम नहीं ना उठाएगा सर कुछ नहीं बदलेगा आप देखें बांग्लादेश बांग्लादेश हमसे बहुत आगे जा रहा है इंडियंस देखें बहुत आगे जा रहे हैं हम बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि हम डर के जीना सीखा हमारे बड़ों ने ना असल में हमारे बड़ों ने हमें डराया हुआ है मैं सही बात बोलूं क्योंकि उनको भी सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि सोशल मीडिया क्या बला बन चुकी है देखें आप एक शॉप खोलते हैं ठीक है मैं एक शॉप लेता हूँ रेंट पे लेता हूँ सपोज के मैंने लाख रुपये एडवांस दिया मैं चिपक सस्ती बात कर रहा हूँ बीस तीस हज़ार रुपया रेंट है मैंने अंदर इन्वेस्टमेंट की दस लाख रुपए की अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कस्टमर है पैसा लगाया हुआ कस्टमर का इंतजार कर रहा हूं जनाब रेंट पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है अगर आज चल रहे हैं अच्छा कस्टमर का वेट कर रहा हूँ कस्टमर आए ना आए मैंने इलेक्ट्रिसिटी देना है मैंने रेंट देना है मेरे सारे एक्सपेंस चलेंगे कस्टमर आए ना आए फिर क्या होता है दो तीन चार माह बाद दुकान फिनिश वो मैंने तुझे कहा था ना बिजनेस ना करो भाई तूने सही वे पे बिजनेस किया ही नहीं है प्रॉपर रिसर्च की नहीं है करना। अब सोशल मीडिया पे जो कारोबार कर रहा है उसको क्या लॉस है जी कुछ भी नहीं उसने रेंट देना है कोई रेंट नहीं उसने इलेक्ट्रिसिटी देनी है कोई किसी को चाय वाली पानी बनाने कुछ नहीं। भी नहीं जस्ट एक पोस्ट करना है अगर थोड़े से पैसे हैं तेरे पास हजार दो हजार रुपया तो बूस्ट कर दे उसको भाई तो ऑटोमेटिकली आप कस्टमर के पास चल के जा रहे हो तो क्यों नहीं कस्टमर आपके पास आपको सोशल मीडिया पे जो रिस्पॉन्स मिला अपने बिजनेस से रिलेटेड वो कैसा था बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्टार्ट कैसे किया? भी करता हूँ लोग की, बात है तो करवाते हैं जब इनको बिजनेस मिल सकता तो मैं अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सकता नहीं। तो फिर मैंने आगाज किया मेरे पास अच्छा उस वक़्त भी मेरे पे पैसे नहीं थे उस वक्त भी अच्छा आपने करीम ब्लॉक सुना होगा वहां पे पठान लोग दुकानें डाल के बैठे हुए छोटी छोटी मैं उनके पास गया मैंने उनसे बातचीत की मैंने कहा यार आपके प्रोडक्ट मैं भेजता हूँ अच्छा जो फ्रेंड पे बैठे हुए थे मैं उनके पास नहीं गया जो पीछे बेचारे बैठे हुए बड़े मजबूर मैं उनके पास गया हूँ मैंने कहा यार आपकी अगर प्रोडक्ट मैं सेल करूँ तो कैसा रहेगा कहते हैं जी हम कैश लेंगे मैं कैश दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम है मैंने सर जी उनका एक दो पिक्चरें ली जनाब एक दो शॉर्ट वीडियो बनाई उसको अपने रोशन पाकिस्तान पे ही अपलोड कर दिया अच्छा फीडबैक ऐसा आया कि आप बिलीव नहीं करेंगे टू पॉइंट सेवन मिलियन मुझे व्यू आए

तो ए काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है आप क्योंकि मैं आप पिछले दिनों तो एक देख रहा था कि मेरा ख्याल आप पिक्चर या वीडियो भी अब ए से एडिट कर सकते हैं आप उसको एक, को, कोई भी एक प्रोडक्ट की पिक्चर दें और उसको बता दें कि मुझे इसका बैकग्राउंड इस तरह का चाहिए तो वो आपको वो ऑटोमेटिकली आपको उसको जाना डिफरेंट करके दे देगा तो मेरा ख्याल है अब मुश्किल नहीं है ऑनलाइन uh, काम करना आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है आपको ए के ऊपर उसके उसको एक कमांड दें और मेरा ख्याल है आपकी वो एडिटिंग भी वो कर देगा ये भी आसान हो सके और ये भी काम आसान हो गया सिर्फ ये है कि इनिशिएटिव लेना जरूरी है अच्छा शिबाज भाई आपने जिस तरह मैंने आपका एक यूट्यूब चैनल जो देखा रोशन पाकिस्तान उसके अंदर आपने बेशुमार बिजनेस को कवरेज दी हुई कोई एक ऐसा बिजनेस जो आपने देख के कहा कि अच्छा यार ये भी पाकिस्तान में होता काफी है काफी ज्यादा बिजनेस ऐसे हैं जो बड़े यूनिक है अभी आ, मुझे कुछ दिन पहले एक शख्स ने रीच किया है जी वो आ, कोई फ्रूट है जो मैंने अभी तक मतलब फिजिकली अभी उसको पकड़ा भी नहीं है देखा भी नहीं है कहीं पे उसके लिए उसने कांटेक्ट किया है मेरे साथ वो क्या कहते हैं उसको जी कोई ड्रैगन फ्रूट ड्रेगन है कोई। वो अब उसकी काश्तकारी उसने पाकिस्तान में शुरू की अच्छा। है हाँ जी उसके अलावा कीड़े मकोड़ों वाला बिजनेस आपने देखा होगा वो अच्छा। वो हो, काफी बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत यूनिक हैं और वो लोग अच्छा मतलब प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं अच्छा ज्यादा खासा पैसा बना रहे हैं वो लोग पेड़ प्रमोशन कितने ही कर रहा था मैं ना देखता हूँ पहले कंटेंट अगर तो कंटेंट मेरे व्यूवर्स के लिए फायदेमंद है मेरे व्यूवर्स को कुछ सीखने को मिलेगा कुछ करने को मिलेगा के मैं फ्री बना देता हूँ वीडियो मुझे फ्यूल पल्ले से भी लगाना पड़े आने जाने का मैं फ्री कर देता हूँ हाँ अब जो लोग रोज 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 जिनको पैसा भी बच रहा है लोगों का फायदा भी हो रहा है तो मैं मिनिमम जो चार्ज करता हूँ वो थर्टी थाउजेंड करता हूँ पर वीडियो। पर वीडियो। इसमें मिनट का हिसाब नहीं होता ये नहीं। नहीं।

जी फेसबुक पे ज्यादा काम। मैं काम मैंने बोला फेसबुक पे फोकस कर फेसबुक और वो क्या स्टोर्स है आ, नहीं मेरे आपने बिजनेस मिनटोर भी एक मेरा न्यू है मैंने एक मंथ में माशाल्लाह भी है, मेरा वो, ला, मेरा भी है। उसके अलावा एक मैंने शुरू किया पैसे कमाने का एक जरिया बन सकता है वैसे अगर इसको भी एज अ बिजनेस लेके जाना चाहे कोई अगर जहाँ इसको एज अ पैशन या एक हॉबी से एक पैशन की तरफ जाना जाए तो अच्छा मेरा ख्याल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं

तो मैं अगर एक ही अपना अपना शू, प्लेटफॉर्म तो तो अपने, अपने, प्लेट अपने खिलाड़ी तैयार कर रहा हूँ ये अच्छी बात है प्लान अगर आप इसको ले के चले तो एक अच्छी आउटकम निकलेगी अच्छा शहबाज भाई एक अच्छा कॉन्टेंट क्या है अगर आप कमेंट लोगों को पढ़ते है ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता कमेंट क्यों नेगेटिविटी uh, इतनी है मैंने बताया कि मैं uh, मौलाना तारक जमील साहब मौलाना लियास कादरी साहब कोई भी आलम दीना पकड़ लें मैं सोचता हूँ यार इन इनका कंटेंट क्या है दिन ही है ना हम हम हमारे लिए बेनिफिशियल है उनका कंटेंट उसके नीचे आप कमेंट पढ़े नेगेटिविटी गालियाँ बदतमीजी तो अब मैं पिछले दिनों बड़ा ना डिसऑर्ड हो गया था मेरा दिल कर रहा था मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ उसकी वजह ये थी कि मैं इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाया और यकीन माने अभी वीडियो अपलोड हुई है फ्रॉड स्कैम फ्रॉड स्कैम भाई प्रूफ क्या है कुछ बताओ तो सिर्फ फ्रॉड क्या हुआ है बस वैसे ही फारिक बैठे हुए थे लिख दिया फ्रॉड <laughs> तो इसलिए लिहाज देखा जाए तो कोई कॉन्टेंट अच्छा नहीं है तो अगर आप कंटेंट का पूछना तो ट्रेंडिंग टॉपिक मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है ट्रेंडिंग टॉपिक का किस पता चलेगा एक। सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं आपको पता चलता है कोई केस बन जाता है कोई इशू बन जाता है तो जैसे आपने आ, देखा होगा भी इसराइल का मामला बना इस टॉपिक के ऊपर लोग देखना चाहते हैं ये आप इसको एक्सप्लोर करके दिखाएं दो लोग देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए जो कि मैं नहीं शुरू कर दी अब करना इन शाला मेरा एक पेज तैयार हो रहा है आपका मेनली फोकस जो मैंने भी तक हिसाब लगाया और जो मैंने जज किया वो यही है कि आपका मेनली फोकस कंटेंट पे ही है जी राइट कंटेंट पे है अभी एक दोस्त है उसका लास्ट जो रेवेन्यू बना ना फेसबुक से ट्वेंटी बना है उसका डॉलर किस चीज का कंटेंट बना रहे वो ज्यादा काम करता है उसके पास ना अच्छा वो उसके एक ऑफिस है जिसमें चौबीस घंटे वो सर्विस चलती है वो तो करो कर तो कर, अपना करो वो कॉपी राइट का इस तरह का काम करता अच्छा। है।, है मैं उसके एक पेज का रेवेन्यू बता रहा हूँ जो कि सिर्फ समय लेकर 15 दिन बाद उसका पेज भी उड़ गया था लेकिन वो रेवेन्यू उसको मिल गया था YouTube पे ये नहीं है YouTube पे रेवेन्यू अगर पेज आपका YouTube Uh, कोई एलिगेशन आ गई है तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलता उसका अच्छा। लेकिन uh, इसका मिल जाता है यूट्यूब का पेज मोनेटाइज होता किस है किस तरह यूट्यूब बहुत आसान है पाकिस्तान में एलिजिबल है उसके लिए तो कुछ मुश्किल ही नहीं है ज्यादा मुश्किल है फेसबुक क्योंकि फेसबुक पाकिस्तान में एलिजिबल है ही नहीं अच्छा। है ही नहीं। अच्छा फिर किस तरह मोनोटाइज की तरफ उसको किस तरह क्योंकि मैंने जो सुना था वो यही था कि आपको पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री का कोई अकाउंट बनाना पड़ता है कराने के लिए बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं लेकिन रोशन पाकिस्तान जो मेरा पेज है ये पाकिस्तान से मोनिटाइज है। अच्छा, अच्छा इसमें बैंक अकाउंट भी पाकिस्तान का लगा हुआ है इसमें सारा कुछ पाकिस्तान से वो कैसे वो उसका तरीका बताया तो मोस्टली लोगों को नहीं भी पता लेकिन आपके चैनल की के से लोगों को पता चल जाएगा पहले क्या होता था लोग आर डी पी यूज़ करते थे आर डी पी वी पी एस वगैरह यूज़ करते थे इसकी फाइव थाउजेंड प्लस फीस होती थी पर मंथ की वो क्या होता है आपका सर्वर चेंज हो जाता है यू एस सी का सर्वर आपको मिल जाता है आप उस पर ऑपरेट करते हैं फिर लोगों ने वो ख़त्म होना शुरू हुआ लोगों ने क्या कि करना शुरू कर दिया अपने क्लाइंट या रिलेटिवस उनको अपना पेज देना शुरू कर दिया उनके पाकिस्तान से बिल्कुल एक्सेस ख़त्म करके उनको एक्सेस दे दी और वहाँ से ऑपरेट हो रहे और वहीं से अप्लाई कर लिया वहीं का बैंक अकाउंट लग गया इस तरह अब क्या है कि अब मैं ये कहता हूं लोगों को कि यार आपको राइट्स मैनेजर अप्लाई करना चाहिए राइट्स मैनेजर क्या होता है राइट्स मैनेजर जब आप अप्लाई प्ला, करते हैं मुझे तो आप पाकिस्तान बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट कर सकते हैं पाकिस्तान से अपलोडिंग कर सकते हैं सारा कुछ पाकिस्तान से करना है आपको तो ये अप्लाई होता है किसरा सर सिंपल है आपने राइट्स मैनेजर लिखना है साइड पे जाके ब्राउजर पे किसी भी ब्राउजर में चल जाए और आपको एक पेज खुल जाएगा वहाँ आपने सेलेक्ट करना है कि आपने पेज प्रोफाइल क्या कौन सा पेज आपने अप्लाई करना है उसमें आपने अपने जो आपके पॉपुलर वीडियोज़ हैं उसके लिंक लगाने हैं है। जो भी उनकी वैल्यू होती है वो आपने देनी है और जनाब बाज़ लोगों का आ, पहली दफ़ा नहीं होता नहीं। आप पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सेवन डेज का टाइम मिलता है दोबारा अप्लाई करने के लिए जब सेवन डेज बाद आप फिर अप्लाई करते हैं फिर आपको आई थिंक सो ट्वेंटी वन, आ, दिन के बाद फिर आपको टाइम मिलता है दिन बाद फिर फिर नहीं होता तो लोगों की है टीम। जो आपका और जी जी मैं खुद मैं बाहर से ना एक्सपर्ट नहीं उठाता क्योंकि जब आप किसी एक्सपर्ट को लाते हो ना तो वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करते तो मैंने फर्स्ट डे से ही बच्चे मंगवाता हूँ कोई अठारह बीस साल के पच्चीस साल के उनको खुद ट्रेंड करता हूँ तो उनको अपने साथ लेके चलता हूँ लेकिन उनमें उन से मोस्टली लोग ऐसे हैं जो और, दोखा दे मेरे है। होती है। और वो एक जॉब के अंदर रहकर नहीं काम करना चाहते आजकल का माइंड सेट भी उस तरह का तो मंथली अर्निंग कितनी है से आपको बताऊंगा आपने कहा कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है भी मेरे वो स्टूडेंट भी मुझे सुन रहे हो सर देखिए मैंने आज तक ना मेरे पास अभी जो चार पाँच माह बाल पहले भी जो लड़के आए ना उनको भी मैं यही कहता हूँ यार कुछ करो मेरे साथ मिलके कुछ करो यार मैं एम्प्लॉय क्योंकि मैं खुद ये नौकरी को पसंद नहीं करता मैं किसी को कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ तुम तो नौकर बन के रहो तो सर अब बिलीव नहीं करेंगे मैं खुद उनको कहता हूँ यार मेरे साथ मिलके कुछ करो स्ट्रगल करो मेरे साथ मिलके कुछ करो बड़ो मिलके कुछ करते हैं पेज शुरू करते हैं ई कॉमर्स शुरू करते हैं मैं खुद सारा दिन मोटिवेट करता रहता हूं इसी तरह जो पहले छोड़ के गए उनको भी करता रहा हूं लेकिन हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं होती है तो अब आपने बात की अर्निंग की अर्निंग बस ठीक है गुजारा है मतलब कि मेरा आ, जो फर्स्ट डे था ना जब शुरू किया तो उससे करोड़ों दर्जे मतलब कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए इतने पैसे कमा सकता हूँ जितने कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैंने ना अच्छा लोग क्या करते हैं थोड़ा सा पैसा कमाते हैं अपनी ड्रेसिंग गाड़ियाँ चेंज करना शुरू कर देते हैं ये वो मैं कुछ इस तरह का मेरा गोल ही जीब है अल्लाह पाक ने तीन बेटियां दी हुई है तीनों बेटियों के लिए करना है जो भी करना है अपनी जिंदगी गुजर गई है फोर्टी प्लस का हो गया सारा कुछ गुजर गया है माँ बाप और बेटियों के बारे में सोचता हूँ और जो कुछ करता हूँ अपने माँ बाप अपनी बेटियों के लिए कर रहा हूँ अपने लिए कुछ भी नहीं अब करता मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ अलहमदल्ला बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए मेरे जैसा लायक आदमी इतने पैसे कमा सकता है कभी डिजिटल जी बिल्कुल अब बिलीव नहीं करेंगे मैं मैं ना कभी जब मेरे पास ग्रैंड प्राइम मोबाइल था कभी सोचता था यार मैं ये जो तीन ये, मतलब कि इस तरह का मोबाइल जो होता है आईफोन होता है उस वक्त तीन तो नहीं थे शायद शायद कैमरे आईफोन यार एक ना ये लोग इसको ब्रांड समझते हैं मतलब स्टेटस समझते अपना तो मैं भी सोचता था यार ये मैं कभी ले पाऊंगा

तो वो जनाब नहीं निकल पाया क्योंकि ज़्यादा तादाद लोगों की थी नेगेटिविटी फैलाने की तो मैं यही लोगों को कहूँगा कि भाई लोगों की तरफ़ देखें अगर अगर मैं आज ना लोगों की तरफ़ देखता ना तो बिलीव करें मैं कुछ भी ना कर पाता क्योंकि मोस्टली मेरे रिलेटिव कुछ ऐसे हैं जो कहते थे यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कहते थे यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते ये ना करो ये ऐसे है ये ऐसे है मैंने कान में रुई मैं किसी की बात नहीं सुन रहा था मैंने कहा करना ही करना है यार मैंने ही करना ही करना है तो कर लिया तो मतलब कि एवरी थिंग इज पॉसिबल जस्ट ट्राई करना पड़ेगा आपको निकलना पड़ेगा लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी क्योंकि अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे ना अब मुझे लोगों ने गालियां भी बड़ी निकाली हैं यार ये फ्रॉड है ये स्कैम है और ऐश्वर मैं बार बार कह रहा हूँ ऐश्वर कि मैंने आज तक कोई स्कैम की वीडियो नहीं बनाई आज तक गारंटी है मैंने कोई वीडियो नहीं तो स्कैम होता कैसे देखिए सर अब आ, मार्केट में ना कुछ ऐसे फ्रॉड ही आ चुके हैं वो करते क्या सपोज कि मेरी वीडियो मैंने बनाया हुआ है मेरी वीडियो भी उठाई अपने एक न्यू पेज पे लगाई उसको बूस्ट कर दिया सपोज कि मेरी एक वीडियो में ना हुँ. एक एल है एल की वीडियो एल है ढाई लाख रुपये की सौ इंच की मिसाल दे रहा हूँ अब उन्होंने क्या करना है वो डिटर उनके पास एक्सपर्ट बैठे होते हैं उन्होंने वो वीडियो उठाई उसी में ही एक एलईडी ई डी मैं दिखा रहा हूँ पंद्रह हजार रुपये की अब उन्होंने क्या करना है वो जो स् दो लाख या ढाई लाख रुपए वाली एल है उसकी वॉइस रिमूव करके उसके पीछे क्या लगा देना है पंद्रह हजार उसको बूस्ट कर देना है हाफ पेमेंट एडवांस पे, पे। अब वो क्या करते हैं उनका ना आगा होता ना पीछे होता है वो एडवांस पेमेंट इकट्ठी करी जाते हैं करी जाते हैं है, हफ्ते बाद पेज बंद नंबर बंद गायब वो ये स्कैम है अच्छा अब मेरे पेज के ऊपर स्कैम क्या है कुछ मतलब मुझे तो अभी तक कोई स्कैम नजर नहीं आया अगर कोई किसी का है कोई मतलब के अगर मेरे करियर में कोई सात से आठ लोग आए और तो रिजोल्व करवाइए कर प्रॉब्लम जाहरी बात है मैं कंटेंट बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा प्रूफ लेके बना रहा हूँ तो अगर कोई मसला आ गया तो रिजॉल्व करवाइए सर प्रॉब्लम क्या मसला आया होगा सपोज़ के एक दोस्त थे उन्होंने सऊदी अरब में बैठ के कपड़ा मंगवा लिया ठीक है वो कपड़ा उन्होंने वो नहीं भेजा कोई और भेज दिया वापस मंगवाया डिलीवरी चार्जेस भी उनसे डलवाए इस तरह अगर एक आधा बंदा ऐसा भी टकरा है जिसने वीडियो चलने के बाद

मैंने आपको बताया मेरा एक बिज़नेस प्रो था वो मेरा ख़त्म हो गया मार्केट से मेरे काफी ग्रुप्स हैं जिनके मिलियंस में जो मेंबर्स है वो खत्म हो चुके हैं मार्केट से पता ही नहीं है कि पे आज तक नहीं ढूंढ पाया अभी मैंने रोशन पाकिस्तान को रिकवर करवाया कुछ अर्सा पहले मेरा हाँ जी रोशन पाकिस्तान इंस्टाग्राम मेरा वो रिकवर करवाया मैंने कुछ अरसा पहले तो ये मसल रहते हैं इसके लिए बड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ता है और बिलीव करें मेरी रात की नींदें बाजू का टूट जाती हैं और वो अगर रिकवर ना हो रहा हो तो फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करें से स्टार्ट करना पर तो और ये सब से अभी मेरा कुछ था ना टिकटॉक बैन हो गया अब टिकटॉक पे एक बंदा है जिसकी एक वीडियो सिक्सटी एट मिलियन पे भी गई हुई, हुई है नॉर्मल वीडियोस की वन मिलियन टू मिलियन मिलियन टू मिलियन फिफ्टी के तो मिनिमम जाती है अब उस बंदे का टिकटॉक बैन हो जाए और दोबारा वो ओपन भी ना हो और वो नया टिकटॉक बनाए आप बिलीव करें मुझे नया टिकटॉक मैंने तीसरा बना लिया है और चंद वीडियो हैं जो दो सौ के तीन सौ के चलिए बाकी वही 50 सौ व्यू 200 सौ व्यू आ रहे हैं तो कितना तकरीदल होगा ये कोई ऐसी मामला जो आप हमारे यूथ को समझाना चाह रहे हो जो आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा और जब मतलब कि वो दो वाले शबाज में और दो वाले शबाज में जो इतना गैप जो ना आपने सफ़र करके जो पाए हैं माशा आपने तरक्की बहुत की और सारे मामला देखें आखरी क्या वो एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाह रहे होंगे अपने आप शुरुआत जो अपने घर से करें मतलब कि अपने वालदे से वालदे मैं ना वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही बोलना चाहूँगा कि यार अगर आपके वालदेन आपसे राजी है ना दुनिया में आपके लिए हर चीज आसान हो सकती है अगर आपके वालदेन आपसे दुखी है ना तो दुनिया में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते लोग ज़्यादातर पैसे को कामयाबी समझते हैं ये कामयाबी नहीं है पैसा कमाने के बाद जो सुकून चाहिए ना मेरा ख्याल है उसको कामयाबी कहते हैं मेरा भी ख्याल भी है क्योंकि अक्सर लोगों के बाद पैसा तो आ जाता है लेकिन नींदें उड़ जाती हैं चैन उड़ जाता है नींद सो नहीं पाते वो लोग तो वो समझते हैं पता नहीं हम कामयाब हो गए मैं कहता हूँ वो कामयाबी नाकाम हुए हैं कामयाब वो है कि पैसा भी आ रहा है आपके मोहल्लेदार भी आपसे खुश हैं आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश हैं आपके बच्चे भी आपसे खुश हैं और आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वो भी आपसे खुश हैं ये कामयाबी है और आप अच्छी नींद सो रहे हैं ये कामयाबी है तो मैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल यही कहना चाहूँगा यार सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुश करें सबसे पहले अपने पेरेंट्स को खुश करें ना कि अपने मोहल्ले के पीरों को या इधर उधर जाना सीख अपने पेरेंट्स को खुश करें उसके बाद अपने महल्लेदारों को देखें उसके बाद जो भी आपने करना है ना आपने लोगों की तरफ फोकस नहीं करना आपने बस करना है हर हाल में करना है और अजम करने करना है, छोड़ना नहीं है उसको कभी भी, भी अगर शहबाज बेग 2014 को शुरू करके 2015 को बंद कर देता तो शबाज बेग आज आपके सामने ना, ना बैठा होता शबाज बेग लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है बेशक शबाज बेग को कोई भी नहीं देखता था लेकिन लगा रहा है, लगा रहा लगा रहा है तो आज रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपको इस पॉडकास्ट में अपना बिजनेस करने की मोटिवेशन मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट में है